से आज के डेट में थोड़ा सा कम प्रेफर कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो इनहिबिशन हर एक को रहेगा। बड़ी बसेस में सर मैक्सिमम कैबिन है सर, मैक्सिमम कुछ कार्डों में नहीं, तो शीट वहाँ पर कुछ गलत भी नहीं है। बॉर्डर बॉर्डर भी अभी नहीं चलाएंगे, फिर नहीं चलाएंगे सर। अगर ये है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई जबरदस्ती तो है नहीं, आप बता दीजिएगा, कोई जबरदस्ती नहीं है, हम कोई आपसे जबरदस्ती नहीं कर रहे कि आपने चलानी चलाएंगे, नहीं नहीं सर रिटर्न को वो बस स्टैंड है, बस स्टैंड के लिए जो है जगह वो जो है वो एक्वायर हुई है, बस स्टैंड मेरे पूरे रिकॉर्ड में बस स्टैंड है। स्टेज पे आए हैं कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो भी शुरू करने जा रहे हैं, ये प्रॉफिट मेकिंग वाला सिस्टम नहीं है, अभी अभी सर्वाइवल वाला मोड है कि जो जिनके पास जिन्होंने ऑटो ले रखे हैं, छोटी गाड़ियां हैं, उन्होंने लोन ले रखे हैं, चलो तो थोड़ा बहुत रोज़गार जो है वो थोड़ा बहुत कमाई करेंगे तो जा करके वो कहीं से अपनी ज़िंदगी जो है वो चला सकेंगे, ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से है। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हमारे जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी मीटिंग की गई, और जिससे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको स्टार्ट किया जा सके, और उसके लिए डिफरेंट एक डिटेल गाइडलाइंस बनाई गई हैं। इसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से फेयर भी 30% इंक्रीज़ किया गया है, और इसके अलावा जितने भी हमारे व्हीकल हैं उनको 50% कैपेसिटी पर चलना है, और जो बसेस हैं 2x3 उनको 66% कैपेसिटी पर चलना है। सो इसका मतलब अगर कोई हमारे अगर कोई 8 सीटर अगर कोई जो है व्हीकल है तो उसको उसमें मैक्सिमम 4 लोग बैठ सकते हैं, इसी तरीके से अगर कोई हमारा 12 सीटर जिस तरह से हमारे व्हीकल है उसमें 6 लोग मैक्सिमम बैठ सकते हैं, इसी तरीके से अगर कोई मिनी बस है उसको भी 50% कैपेसिटी पे चलना है, और अगर कोई 3x2 बस है उसको 66% कैपेसिटी पे चलना है। इसके अलावा भी जो और भी एहतियात बरतनी है, मास्क यूज़ करना है 100% लोगों ने, इसके अलावा केबिन जो है वो ड्राइवर का उसको सेपरेट होना है, वो उसको सेपरेशन करना है, तो उसके लिए एक डिटेल गाइडलाइन लोगों से डिस्कस की गई। इसके अलावा हमारे जो टाउन एरिया में कोई भी व्हीकल एंटर नहीं करेगा, और टाउन एरिया के बाहर ही जो उनके लिए प्लेस जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं कि जहाँ से उन्होंने पिकअप और ड्रॉप जो हमारे जो लोग हैं उनका करना है। इसके अलावा अगर कोई भी अगर इसका वायोलेशन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत भी, और इसके अलावा जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके तहत भी की जाएगी, और जो है अगर कोई भी अगर जो ट्रांसपोर्टर इसका वायोलेशन करते हुए पाया जाता है तो उसका व्हीकल सीज भी किया जाएगा। तो सभी जो हमारी जो ये ट्रांसपोर्ट है हम मंडे से स्टार्ट करेंगे, और इन दैट मेन टाइम जो बचे हुए जितने जो भी हमारे ड्राइवर्स हैं जो अपनी गाड़ियां चलाना चाहते हैं उन्होंने सभी ने अपने केबिन्स में जिस तरह से बताया गया कि ड्राइवर का पोर्शन सेपरेट रखना है, और जो हमारे जो छोटे व्हीकल हैं चाहे वो उसमें हमारा ऑटो हो उसमें भी ड्राइवर की सीट पे कोई भी नहीं पर्सन ने बैठना है, और उसने वहाँ पर भी अपना सेपरेट केबिन बनाना है, उसको पिछले एरिया से सेपरेट करना है। और इसके अलावा जो ट्रेनिंग और गाइडलाइंस के बारे में लोगों को जागरूकता के लिए ARTO और हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की मदद से, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की मदद से अगले जो है सोमवार तक अवेयरनेस प्रोग्राम डिफरेंट एरियाज़ में किए जाएंगे ताकि लोग इसके बारे में अवेयर भी रहें।